तो दोस्तों देखिए, मार्केट खुल चुकी है और मार्केट में बाइंग के संकेत आ रहे हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी थी और अब रेड बन रही है। इधर निफ्टी में ग्रीन कैंडल यानी कि बाइंग का संकेत आ रहा है, 22,000 का लेवल क्रॉस किया है। मार्केट हल्की सी गैप अप ओपन हुई है आज, चलने देते हैं और देखते हैं जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके अनुसार ही हम ट्रेड लेंगे। कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे वरना लॉस हो सकता है। तो बने रहिए, देखते हैं जैसे ही कोई प्राइस एक्शन बनेगा उसके अनुसार ही हम ट्रेड लेंगे। वैसे जहाँ तक मेरा मन कॉल साइड में जाने को हो रहा है आज, क्योंकि अगर ये नीचे नीचे काम करेगा तो हम कॉल साइड में जाएंगे और अगर ऊपर ऊपर ऐसे काम करेगा तो हम पुट साइड में जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे एक मिनट लॉन्ग 100। अरे यार आ जा। ये भाई मुझे पहले ही लगा लेना चाहिए ये। चलो छोड़ो, वैसे यहाँ पे पोजीशन तो बहुत अच्छी बन सकती थी लेकिन वही बात है कि रह गए। चलिए देखते हैं, जैसा होगा उसके अनुसार ही हम ट्रेड लेंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा ट्रेड लेने में क्योंकि मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है, ना तो कॉल का बनाया है ना तो पुट का बनाया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे कॉल साइड में जाने का ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और जैसी भी स्थिति होगी वैसा देखते हैं, या तो एसएल जाएगा या हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट बहुत अजीब सी हो गई एकदम। देखिए हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया है लेकिन आज मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखिए ये यहाँ पे जो ये लेवल है ना 47,500 का, ये लेवल है, इसके जैसे ही मार्केट ये नीचे आई तो यहाँ पे आएंगे सेलर और सेलर के एसएल हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है, भले ही गिर जाए फिर से, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो मार्केट जानी चाहिए, इसीलिए मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। और इधर भी निफ्टी में भी ये 22,000 का लेवल तोड़ के नीचे आई है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सेलर आए होंगे और सेलर का एसएल हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, ये ऐसा मुझे लग रहा है। बकाया एसएल भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हर बार सही नहीं हो सकते हैं, बस हमारी जो साइकोलॉजी होती है हम उसके अनुसार ही ट्रेड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट होता है लॉस, जैसा भी होगा हम लेके निकल लेंगे। वैसे हमें पोजीशन बनानी चाहिए थी यहाँ पे, ये देखिए, अरे ये शॉर्ट ना, यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए थी ये वाली ये। लेकिन मुझे अक्सर निफ्टी देखने का ध्यान ही नहीं रहता है, मैं बैंक निफ्टी देखता रहता हूँ ऐसे गौर से, वो निकल जाती निफ्टी, उधर कुछ हो जाता है पता नहीं लग पाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाद में, जैसा भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस, या तो ऐसा जाएगा या प्रॉफिट होगा।
देखिए मार्केट निकलने की कोशिश कर रही है ऊपर के लिए। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है टारगेट हिट हो गया है और 100 पॉइंट हमें आराम से मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे मार्केट को कट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा अब ये गिर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही ऊपर जाएगी, ये गिर भी सकती है मार्केट एकदम, तो हम यहीं पे एग्जिट करते हैं। देखिए कितनी तेज से ऊपर निकल रही है, हम रुकेंगे नहीं फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा देर। चलिए फिर कट करते हैं और मिलते हैं कल की ट्रेड में।